नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 10 नंबर लिखा है तो समझ जाना कि यह मकर लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में राहु बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो और कुंडली के अंदर शुक्र शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, पांचवें भाव का स्वामी शुक्र सातवें भाव में बैठा हो और सातवें भाव का स्वामी चंद्र पांचवें भाव में बैठा हो, अर्थात पांचवें और सातवें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो और कुंडली के अंदर शुक्र शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो व्यक्ति अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्ति हो ऐसी किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। तीसरा नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और राहु ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति पहले चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें या बारहवें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम रोमांस विजातीय आकर्षण और सेक्स का कारक है, मंगल शारीरिक शक्ति ऊर्जा और उत्तेजना का कारक है और राहु गोपनीयता का कारक है। तो जब भी शुक्र मंगल और राहु ये तीनों ग्रहों की युति पहले चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें और बारहवें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। चौथा नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रहों की युति पहले चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें या बारहवें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री पांचवी सातवीं या नौवीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति का एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। पांचवा नियम, अगर कुंडली के अंदर मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और बुध ये तीनों ग्रहों की युति पहले चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें या बारहवें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री पांचवी सातवीं या नौवीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुंदर आकर्षक प्रभावशाली और तेजस्वी व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। छठवां नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और शनि ये तीनों ग्रहों की युति पहले चौथे पांचवें सातवें दसवें ग्यारहवें या बारहवें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री पांचवी सातवीं या नौवीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति पर जाति की व्यक्ति के साथ या फिर अपने से बड़ी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। सातवां नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर चंद्र शुक्र और मंगल की युति होती हो और उसके ऊपर लग्नेश शनि की तीसरी सातवीं या फिर दसवीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में रहती व्यक्ति के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। आठवां नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र मंगल चंद्र और राहु ये चारों ग्रहों की युति ग्यारहवे या बारहवें भाव में होती हो तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्र के साथ यानी कि जो स्कूल में पढ़ा है या कॉलेज में अपने साथ पढ़ा है ऐसा कोई व्यक्ति जो शादी के बाद उसके कांटेक्ट में आता है और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। नौवां नियम, लग्नेश पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो। द्विस्वभावी राशि यानी मिथुन कन्या
धनु और मीन, ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि है। तो फिर से बोलता हूं, लग्नेश शनि, पंचमेश शुक्र और सप्तमेश चंद्र, ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दसवां नियम, लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो और पंचमेश लग्न भाव में बैठा हो। फिर से बोलता हूं, लग्नेश और पंचमेश का आपस में परिवर्तन योग बनता हो और सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और आखिरी 11वां नियम भी बता देता हूं कि अगर दूसरे भाव के अंदर शुक्र, मंगल, शनि, राहु, ये चार ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपने किसी दूर के रिश्तेदार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जब भी आप ये योग देखते हो तो उसमें अंशों का बहुत महत्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो शुक्र 5 अंश पे है और राहु 27 अंश पे है, तो शुक्र और राहु के बीच में 22 अंशों का फर्क आ गया तो इस युति को प्रबल युति नहीं माना जाएगा। ठीक उसके विपरीत कि शुक्र 10 अंश का है और राहु 15 अंश का है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 5 अंशों का फर्क है तो शुक्र राहु की युति को प्रबल युति माना जाएगा। ये बात का खास ध्यान देना है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह साथ में बैठे हैं, क्या चलित कुंडली में भी वो साथ में है या नहीं, वो देखना आवश्यक है। काफी बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल राहु साथ में है लेकिन चलित कुंडली के अंदर सभी अलग अलग हो रहे हैं, तो इस योग की प्रबलता काफी घट जाती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जन्म कुंडली के अंदर जो योग बन रहे हैं अगर वैसे ही योग नवमांश कुंडली में भी बन रहे हो तो निश्चित तौर पर इस योगों की प्रबलता बढ़ जाती है। और इसका फल कब मिलता है, तो जो ग्रह ये योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब इसका फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर मान लो हमको पता चल गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है तो उसे कैसे टाला जाए, तो उसके मैं आपको 5 उपाय बताता हूं। पहला उपाय, लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम पहनना चाहिए, पंचमाधिपति शुक्र का उपरत्न ओपल पहनना चाहिए, भाग्याधिपति बुद्ध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। लेकिन हाँ, कुंडली के अंदर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना हो, वो भी देखना होता है। दूसरा, मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप रोज भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तीसरा, सप्तशती का पाठ करें यानी कि माता दुर्गा की पूजा आराधना अनुष्ठान करें, नरवण मंत्र की अनुष्ठान भी आप कर सकते हो। चौथा, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करें या फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक कराए। और आखिरी उपाय, अगर पुरुष की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो वो किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर अपनी ही पत्नी के साथ पुनर्विवाह करे यानी कि रीमैरिज करे। अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये योग बनता है तो किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से पुनर्विवाह करे, रीमैरिज करे। अगर ये 5 उपाय को दिल से, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से किए जाए तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग टल जाता है और पति पत्नी अपना सांसारिक जीवन सुख में, शांति में, आनंद में व्यतीत कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।